गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग फॉर कंटिन्यू पोर्शन ऑफ चेंजिंग फैमिलीज चैप्टर नंबर 9। हियर वी आर गोइंग फॉर द टेक्सचुअल एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 74 व्हिच वी हैव लेफ्ट यस्टरडे। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट पोर्शन। हियर यू कैन सी, हियर इज योर वन क्वेश्चन। हियर आस्क योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर हाउ मेनी मेंबर्स वेयर in their family when they were your age. So then draw a family tree in your notebook of their family when they were young age. So ask your grandfather and grandmother when they are age. For example, now your age is about 9 to 10 years. So ask your grandfather and grandmother that when you are that age in 8 to 9 year or 10 year, how many members are their family. So whatever the members they are in the family, you can make a word family tree of that members. Okay, so you can draw in this way. For example, I will give you one hint. Here you can draw, first started with your grandfather's grandfather, matlab jo aapke dada hai unke bhi dada jisse aap start karoge. So started with the his grandfather. His grandfather means आपके जो दादाजी है उनके दादा, right? His grandfather. Then you can draw his grandmother, मतलब जो आपके दादाजी है उनकी दादी, ठीक है? Then his uncle. His uncle means आपके जो दादाजी है उनके दादाजी के जो लड़के हो गए, फॉर एग्जाम्पल उनके 3 लड़के थे तो इस अंकल वो आपके दादा के क्या हो गए, अंकल हो गए। सो उनके 3 अंकल, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। सो यू कैन मेक अ 3 कॉलम हियर। देन फाइनल वन हिज फादर। हिज फादर मतलब आपके दादाजी के जो पापा हो गए ना, वो उनके पापा, वो पापा क्या लिखोगे, हिज फादर, राइट? सो दैट इज अवर 4th कॉलम। इन सिमिलर वे आपके पापा जी के फिर उनकी शादी होगी, उनकी शादी होगी मतलब आपके दादाजी है उनके पापा की शादी होगी। सो ही इज मदर, आपके दादाजी की मदर, राइट? देन आपके दादाजी के पापा और उनकी मम्मा की शादी होगी तो फिर उनके जो किड्स होंगे, न्यू बॉर्न बेबी, जो मैंने आपको बात करी कि न्यू बॉर्न बेबी आते हैं तो फैमिली के अंदर चेंजेस होते हैं, राइट? सो जो उनके जो किड्स होंगे वो आपके पापा के क्या होंगे, वो आपके पापा के क्या होंगे, उनके जो किड्स होंगे वो क्या होंगे, माय आंटी, माय फादर, हिज ब्रदर, राइट? ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पे कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है? देन यहाँ पे देखो कि आपके जो दादाजी हैं उनकी मम्मा कहीं से आ रही है, मतलब उनके भी कोई दादाजी होंगे, ठीक है ना? तो उनके भी कॉलम हमें यहाँ पे सेकंड यहाँ पे बनानी है, ठीक है ना? उनके भी कॉलम हमें यहाँ पर बनानी है, मतलब उनके भी दादाजी होंगे, उनकी भी दादी माँ होगी, ठीक है ना? फिर हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडमदर, राइट? फिर उनकी ये लड़की है, ठीक है ना, उनकी ये लड़की है तो हिज मदर मतलब आपके दादाजी की मम्मा होगी वो। फिर आपके दादाजी की मम्मा है, उनकी सिस्टर उनकी आंटी होगी और उनकी दूसरी सिस्टर भी उनकी आंटी होगी, राइट? इन दिस वे यू हैव टू मेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलम लाइक अ फैमिली ट्री। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ फैमिली ट्री। यू कैन सी हियर हाउ कैन वी मेक अ वन फैमिली ट्री। हियर इज अ लुकिंग लाइक अ ट्री, राइट? यू कैन मेक अ स्टेम हियर, इट परफेक्टली लुक लाइक अ ट्री। In that way, you have to make a family tree of your grandmother and your grandfather. Okay. So after this family tree, you have to make your family tree also. You had also draw a family tree of your own family. Let us again draw the family tree of last year in your notebook. So आपको क्या करना है, आपकी जो फैमिली के अंदर जो persons है, elder person से start करना है और आपके जो मम्मा है, आपके पापा है, उनके जो sisters होगी, उनके भाई होगी, मतलब आपके मम्मी के भाई, आपके मामा जी है, आपके नाना जी है, उन सबको आपको इस फैमिली ट्री के अंदर show करना है. Okay. So start कर दें यहाँ पर. I will give you one hint. So with the reference of this hint, you have to complete it in your notebook. So started with here. आपके जो दादाजी है वहाँ पे आप first column उनका लिखोगे, grandfather, grandmother, right? आपकी दादी जी. अब इनकी शादी हो रही है, मतलब इनके जो newborn baby होंगे वो कौन कौन होंगे? एक तो आपके पापा होंगे, आपके पापा की sister आपकी आंटी, उनकी दूसरी sister वो भी आपकी आंटी, ठीक है? आपके पापा के जो भाई होंगे वो आपके अंकल लगेंगे, तो उनकी एक कॉलम परफेक्ट बना देनी है हमें, ठीक है ना? फिर आपके पापा जी की जब शादी होगी
तो वो कौन लगेगी? आपकी मम्मा होगी। आपके पापा की वाइफ क्या होती है? आपकी मम्मा होती है, ठीक है ना। तो आपकी मम्मा आ रही है तो उनके भी कुछ, उनके भी पापा होंगे, उनके भी दादी माँ होंगे, उनकी भी दादी होगी। सो आपके जो नाना जी होते हैं ना, आपके जो नाना जी होते हैं वो यहाँ पे शो डाउन करेंगे, हम नाना जी नानी जी। फिर आपकी मम्मा की जो सिस्टर होगी वो आपकी आंटी होगी, जिसे हम मौसी कहते हैं। फिर अंकल मीन्स आपकी मम्मा के जो भाई होंगे वो आपके मामा जी होगी। तो उन सभी को आपको यहाँ पे शो डाउन करना है। और आपके पापा और मम्मी की शादी होगी, मतलब यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी होगी। न्यू बॉर्न बेबी मतलब आप खुद होगे तो आप वहाँ पे माई सेल्फ लिखोगे, और आपका एक भाई है तो आप यहाँ पे ब्रदर भी लिख सकते हो। और आप फैमिली मेम्बर तीन मेम्बर हो, आपकी यहाँ पे कोई सिस्टर भी है तो एक कॉलम और नया बना के आप यहाँ पे सिस्टर भी शो डाउन कर सकते हो। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू मेक अ डिफरेंट फैमिली ट्री इन योर नोटबुक। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडे सेशन। एंड देन यू कैन सी हियर, कैन यू सी योर सेल्फ, योर ब्रदर और सिस्टर, योर मदर और फादर एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री? क्या आपको आपकी जब ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर का जो फैमिली ट्री बनाया था, क्या उसके अंदर आपने आपके भाई को, आपकी सिस्टर को या फिर को कहीं पे देखा था? ना, नहीं देखा था, क्योंकि आपके दादाजी की फैमिली की बात हो रही है, मतलब वो तो ओल्ड जनरेशन की बात हो रही है जहाँ पे सभी जॉइंट फैमिली में रहते थे। दैट्स वाई हियर वी कैन आंसर हियर, आई कैन नॉट सी, आई कैन ओनली सी माई फादर इन द फैमिली ट्री। वहाँ पे आप सिर्फ आपके पापा को देख सकते हो, वहाँ पे ना तो आपकी मम्मा को देख सकते हो, ना आपको देख सकते हो, या फिर आपके सिस्टर या फिर भाई को देख सकते हो। ओके, दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन। नाउ वी आर गोइंग टू एंडिंग हियर। बाय बाय, टेक केयर।